हाय फ्रेंड, आज मैं आपको डोरमेट बताने जा रही हूँ। ये देखिए, डोरमेट के लिए मैंने ये ब्लैंकेट और लोअर के कपड़े लिए हुए हैं, जिसकी ये कटिंग हुई पड़ी है। ये देखिए, इस तरह से मेरे कपड़े हैं जिसकी मैंने कटिंग की है। अब मैं इनको आपको बना के बताती हूँ मैं किस प्रकार से इसका डोरमेट बनाऊंगी। ये देखिए, इसमें दूसरे व्यक्ति की सहायता लेनी पड़ती है। पहले हम इस प्रकार से इसको, जैसे हम अपनी चोटी बनाते हैं उसी प्रकार से हम आप इसको गूंथेंगे। देखिए इस प्रकार से। इसमें आप कोई भी कलर यूज कर सकते हो, कलरफुल भी बना सकते हो, एक कलर का भी बना सकते हो। ये मैं आपको गोल वाला मैट बताऊंगी। देखिए इसी प्रकार से। अब ये देखिए, मैं आपको एक बात बताती हूँ। ये देखिए, इधर पे मेरा आके ये खत्म हो गया। मैं इसमें कतर मुझे इसमें कटिंग है जो मेरे कपड़े की, मुझे इसमें ज्वाइंट करनी है। अब ये देखिए, मैं इस प्रकार में किस प्रकार से इसे ज्वाइंट करूंगी। ऐसे आप कोई भी कलर ले और इसको इस तरह से मैं इसे ज्वाइंट करूंगी। ये देखिए, थोड़ा टाइट टाइट। ये देखिए इसी प्रकार से। ये देखिए, जहां पे भी मेरी ये कपड़ा खत्म हो जाए उसी पे मुझे इस तरह से ये ज्वाइंट करना होता है। ये देखिए इस प्रकार से मैं इसे टाइट करके और तोड़ दूंगी। अब मैं फिर से मुझे ये चोटी बनानी स्टार्ट करनी है। ये देखिए इसी प्रकार से। जहां पे हमारे ये कपड़ा खत्म हो जाए उसी प्रकार से, जैसे मैंने आपको बताया, इस प्रकार से इसके सिल के फिर से चोटी बनानी। ऐसे इसी प्रकार से शुरू कर दे। ऐसे ही इसी तरीके से मैं इसे, आप कितना भी बड़ा बनाना चाहते हैं, मैं ये गोल वाला बना रही हूँ। मैं इसी तरीके से कपड़े ज्वाइंट करते हुए इसको 10 मीटर की रस्सी बनाऊंगी, तब मैं इसको आपको बना के बताऊंगी मैं इसे किस प्रकार से डोरमेट को बनाऊंगी अपना। ये देखिए इसी प्रकार को उससे गूंथते हुए जाना है इसको। बहुत ही इजी तरीका है ये डोरमेट बनाने का। ये देखिए, ये मैंने अपनी रस्सी पूरी बना के तैयार कर ली है। पूरी ये मैंने 10 मीटर की रस्सी बनाई है। अब मैं आपको ये डोरमेट बनाना बताऊंगी, मुझे ये किस प्रकार से बनाना है। ये देखिए, मैंने अपनी कलरफुल है मेरी, मैंने इसमें सारे कलर दिए हैं। इसी प्रकार से ज्वाइंट करते हुए मैंने ये रस्सी बनाई है।
ये देखिए, ये मुझे इस प्रकार से बनाना है, ऐसे इसी प्रकार से गोल करते हुए और सुई से ऐसे बंद करते हुए चलना है। ये देखिए, इस प्रकार से हमें इसकी गुलाई लेनी है, जिस तरह से हमें जहाँ से हम गुलाई लेंगे उसी तरह उसी जगह हम सुई से बंद करेंगे इसको। ये देखिए, ये देखिए इस प्रकार से थोड़ा सा कपड़ा इधर से और थोड़ा सा इधर से, ये देखिए ऐसे गोल करते हुए जाना है और ऐसे ही सुई चलाते हुए ज्वाइंट करते हुए इसको। ये देखिए इसी प्रकार से हमको ये पूरा गोल करते हुए जाना है, इसे आप कैसे भी बना सकती हैं, ऐसे रस्सी बना के जैसे मैंने आपको बताई है कपड़ों की, ब्लैंकेट वगैरह, लोअर वगैरह, आप कोई भी कपड़ा सॉफ्ट ले सकती हैं तब इसको बनाएं। इसी प्रकार से हम इसे गोल करते हुए जाएंगे। ये देखिए इसी प्रकार से बनाते हुए चलना है, देखिए ये देखिए बहुत ही ये देखिए इसी प्रकार से हुए चलना है हमको। सुई ऐसे एक टाँका लगाएं और फिर इसको ऐसे ज्वाइंट करें। ये देखिए एक बार सुई इधर से इसमें से निकालनी है और फिर एक बार इसमें से ऐसे ही ज्वाइंट करते हुए चलना है हमें इसको। ये देखिए बहुत ही सफाई से बनाना है, ये देखिए इस तरीके से। कपड़ा कोई आप कोई भी यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं है ब्लैंकेट वगैरह का ही हो, कपड़ा कोई भी हो पर सॉफ्ट होना चाहिए थोड़ा। ये देखिए हमारा बहुत ही सुंदर डोरमेट बनेगा इसी प्रकार से हमको। ये बहुत ही इजी तरीका है, एक बार सुई इसमें से निकालनी और एक बार इसमें से। देखिए जो मैंने 10 मीटर की रस्सी बना के तैयार करी है, आपको इसी तरीके से मैं इसको पूरे को बना के तैयार कर लूंगी इसी तरीके से ऐसे करते हुए। ये देखिए फ्रेंड, ये मैंने इसी तरीके से सारा बना के तैयार कर लिया है। ये देखिए, अगर आपको समझने में फिर भी दिक्कत हो तो मैं आपको एक बार और बता देती हूँ। ये देखिए सुई को इसमें से निकाले और फिर इसमें से ऐसे ही ये हमको बनाते हुए चलना है। ऐसे ही मैंने अपना पूरा बना के तैयार किया है। ये देखिए ऐसे ही बराबर बराबर चलना है इसी प्रकार से, एक बार इसमें से और एक बार इसमें से। ये देखिए ये मेरा पूरा बन के तैयार हो चुका है। अगर आपने मेरा वीडियो चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए ये हमारा
सारा बन के तैयार हो गया। ये देखिए जो मेरा ये लास्ट का है, ये मुझे बहुत अच्छे से बंद करना है ताकि ये हमारा बाद में खुले ना। ये देखिए इस प्रकार से हमें ये टाइट खींचना है इधर से। अगर आपको फिर भी ये समझने में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट जरूर करें। ये देखिए इसी प्रकार से बड़े बड़े टांके टाइट टाइट खींच के बनाना है ये। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा डोरमेट आपके सामने बनके तैयार है। ये देखिए जिस तरीके से मैंने ये किया था, मतलब कि ऐसे ही मुझे धागा एक इधर से और इधर से लेते हुए जाना है और बंद करते हुए जाना है। इसी प्रकार से मैंने ये गोल डोरमेट बनाया है। आप चौखंटा भी बना सकते हैं, मैंने ये गोल बनाया है इसी प्रकार से। अगर आपको मेरा वीडियो समझने में कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट जरूर करें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।